बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको जेडीसी में एक साहब राशन लेके पहुंचे हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? जी ठीक। क्या नाम है आपका भाई? मेरे नाम दावर है। ये हम लोग राइल मसरूर भाई लम्मा दरगाह फाउंडेशन के चेयरमैन है, उनके कहने पे हम लोग ये राशन। सलाम मुतासरीन के लिए। ये सारा जो बलूचिस्तान का जो ऑपरेशन चल रहा है, जो आपका सेंटर का ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए हम लोग की एक छोटी सी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। बहुत शुक्रिया। ये कितने बोरे हैं भाई? ये 65 बैग है। और ये अंदाजन कितने अमाउंट का राशन है? ये तकरीबन 1,45,000 का राशन है। बहुत शुक्रिया। दाल चावल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, देखिए ये जज्बा है, इन्होंने दुबई से लाके यहाँ पर राशन पहुंचा दिया। तकरीबन 1,65,000 रुपए का राशन है सिर्फ। ये देखे बात है, जरा जरा भी सब जोड़ के दे रहे हैं, तो आज बात कहाँ पहुंच गई, आज इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ। कल तक लोग एक एक दो दो बोरे ला रहे थे। जो बड़े लोग हैं वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन ये जज्बा चाहिए पूरी दुनिया में। जो भी इदारे हैं हमारे, पाकिस्तानी एनजीओ हैं, वो आगे बढ़े, इसी तरह सपोर्ट करें। आप किस किस मुल्क में होते हैं? मैं दुबई में होता हूं। और मैं एक, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ है भाई? ये अल्लामा दरगाह फाउंडेशन यूके में है, दुबई में हम लोग रफ्तार मिल्स करते हैं। मैं एक छोटा सा मैसेज अपने ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए ये करना चाहूंगा कि आप लोग ये देखें कि आप लोग तो अपने अपने मसाइल में अपनी चले गए, आपकी जॉब लग गई, आपके हालात बेहतर हो गए। यहाँ पे जेडीसी और जफर अब्बास भाई ने हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हुई है। आप ये देखेंगे अगर बिजली की तार से अगर कोई बच्चा मर रहा है तो जफर भाई और जेडीसी इसकी एफआईआर कटा रही है। अगर रमजान के सहरी वक्त आ रही है, लोगों को अच्छे से अच्छा राशन है, तो जेडीसी और सर आप लोगों की सपोर्ट है तो ये मुमकिन हो रहा है। आपका मुन्ना भी लेकर आया, कोई गिफ्ट क्या आया सर भैया? मोहम्मद कमे मोहम्मद, देखिए इनके बच्चे भी यहाँ पर आए, लेकिन पाकिस्तानी फ्लैग लेकर आई है गुड़िया। और मैं सब ओवरसीज पाकिस्तानी से बिल्कुल गुजारिश करूंगा कि प्लीज यही वक्त है, इसी वक्त में हम लोगों को आगे आना चाहिए। अब और मैं ये कहता हूं कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जफर भाई ने संभाली हुई है, इनका शुक्रिया, इनके खानदान वालों का शुक्रिया। ये बेचारे अपने बच्चे, हमारी पूरी बच्चों का हम लोगों का परेशान है, जफर भाई का हम लोग का परेशान है। आप यकीन जाने हमारी सारी टीमें इस वक्त राजनपुर, तौसा शरीफ, सखर, खैरपुर, जहां इस वक्त पूरा सिंध डूब चुका है, जुनूबी पंजाब पूरा डूब चुका है, बलिस्तान में तबाही है। मैं सिर्फ देखने वाले लोगों को पूरा दिन जफर भाई अपने घर पे नहीं होते, अपने बच्चों के पास नहीं होते। हम लोग सुकून से दुबई में और लंदन में, अमेरिका में अपने बच्चों के साथ हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की संभाल रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी तौफीकात में लाफरमाए, घर वालों का शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया, देखें बच्चे ने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ले भाई, ये रखें। देखें तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा भाई आगे बढ़े, भाई उतार लें, देखने वालों से गुजारिश करूंगा आगे बढ़े, इस तरह के नए कामों में हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है टेंट की, नेट की, लोगों के घर गिर गए हैं हजारों लाखों की तादाद में। आगे बढ़े, जेडीसी का साथ दें, हमें आपकी सपोर्ट की भरपूर जरूरत है। कुछ भी हो राशन यहाँ जेडीसी ऑफिस पहुंचाएं। जेडीसी का ऑफिस डिफेंस 26 स्ट्रीट पर भी है, जेडीसी का ऑफिस बुखारी कमर्शियल पर भी है, जेडीसी का ऑफिस शारे फैसल पर भी है, जेडीसी किसी भी डायलिसिस सेंटर पहुंचा दें, जेडीसी के फेडरल बीडियल ऑफिस पहुंचा दें, कहीं भी पहुंचा सकते हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वक्त हम फैक्ट्रियों से पूरे पूरे ट्रक आटे को उठा रहे हैं, लेकिन वो हम वहीं से खरीद रहे हैं, सखर से और उन जगहों से। आज हमारा सखर में भी किचन कायम कर दिया जाएगा, खैरपुर में भी किचन कायम कर दिया जाएगा, वहां से पका हुआ खाना भी चलता रहेगा। लेकिन आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज आगे बढ़े खुदा के लिए।